इंतजार की घड़ियां आखिर खत्म हुई। 25 फरवरी 2024 को वो दिन आ ही गया जब ब्लिस इंडिया ने अमेरिका में ही अपना अमेरिकन संस्करण लॉन्च किया। न्यूयॉर्क में हुए इस लॉन्च में अमेरिका की नामी गिरामी हस्तियां मौजूद थी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कांबोज, पद्मश्री और आईटीवी के मालिक डॉक्टर सुधीर पारिक, न्यूयॉर्क की मशहूर लॉ फर्म के मालिक रवि बत्रा, आई फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के चेयरमैन डॉक्टर वी के राजू, दिवाली फाउंडेशन यूएसए की चेयरपर्सन रंजू बत्रा, शिक्षायतन कल्चरल सेंटर की फाउंडर पूर्णिमा देसाई, बोला ऑयल कॉरपोरेशन के सीईओ हैरी सिंह बोला, न्यू इंडिया अब्रॉड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव भांबरी, ब्लिट्स इंडिया के सीईओ संदीप सक्सेना, और इन सब के बीच थे ब्लिट्स इंडिया के संस्थापक और एडिटर इन चीफ दीपक द्विवेदी। दीपक की मेहनत और लगन की बदौलत ही ब्लिट्स इंडिया का अमेरिकन संस्करण हकीकत में तब्दील हुआ। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ब्लिट्स इंडिया पूरी तरह से विकास की खबरों पर जोर देता है और उनका अखबार मानता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भी देश के विकास की रफ्तार को तेज करना है। यहाँ जितने सारे लोग हमारे मेहमान बैठे हैं वो हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, वो हम सारे लोग, लेकिन आज एक बहुत अच्छा मौका है, इस सरुजा जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए मैं सरुजा जी और यहाँ सारे आए हुए जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि हैं उनका मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और उनकी मौजूदगी में ब्लिट्स इंडिया, जिसका सिर्फ एक मकसद है कॉन्स्टिट्यूटिव एंड पॉजिटिव जर्नलिज्म, जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इंडिया के हो रहे हैं उसको दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाए, उसके लिए सरुजा साहब बहुत सहयोग दे रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ और उनका धन्यवाद। ब्रिट्स इंडिया का लॉन्च अमेरिका और भारतीय रिश्तों के बीच कड़ी का काम करती 18 वर्षीय पुरानी मीडिया संस्था द इंडियन पैनोरमा के एक प्रोग्राम के दौरान हुआ। इस मौके पर बोलते हुए एम्बेसडर रुचिरा कांबोज ने कहा, A testament to the indomitable spirit of our people who armed with the values of hard work, perseverance and integrity have not only succeeded in their respective domains but have also enriched the societies where they live. And as our Prime Minister, Sri Narendra Modi, has said so, our diaspora has shown the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, which sees the world as one large interconnected family. This spirit has always been a part of the Indian ethos, as you know, and our diaspora is indeed taking it to every part of the world. इस मौके पर न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने भी द इंडियन पैनोरमा और ब्रिट्स इंडिया के लिए अपना बधाई संदेश भेजा। टुडे इज द 18th ईयर एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन पैनोरमा, सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑन बिहाफ ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी मेयर एरिक एडम्स टू द पब्लिशर एंड एडिटर ऑफ द इंडियन पैनोरमा फॉर कंप्लीटिंग 18th ईयर। दैट्स अ क्वाइट बिग जर्नी। प्रोफेसर इंद्रजीत सलूजा, प्लीज कीप अप द ग्रेट वर्क। ब्रिट्स इंडिया के अमेरिकन संस्करण के लॉन्च पर वहां आमंत्रित मेहमानों ने गर्म जोशी से दीपक द्विवेदी का स्वागत किया और उनकी इस पहल पर खुशी जताई। इनमें डॉक्टर, पत्रकार और व्यवसायी तो थे ही और साथ ही थे द इंडियन पैनोरमा के प्रकाशक और संपादक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह सलूजा। दिस ग्रेट मैन, द वन पर्सन हु हैज रियली प्रूव व्हाट स्टैंडर्ड जर्नलिज्म कैन अटेन, सो ही इज हियर टू कॉन्कर यूएसए with the Britannia US edition. I'm Toby Usnick. I write a weekly column in Blitz India on social impact, and I'm thrilled to be here tonight. Very excited to have you all come to the United States and launch here. इस मौके पर वहां मौजूद मेहमानों ने सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भी लुत्फ उठाया। शुरुआत हुई इस मनमोहक बैले डांस से।
इसके बाद भारतीय कलाकारों ने अपने जलवे बिखेरे। ब्लिट्स इंडिया के लॉन्च का ये यादगार फंक्शन रहा और इस फंक्शन में चार चांद लगाए आखिर में हुए इस भांगड़ा डांस ने। बहुत जल्दी ही दीपक द्विवेदी आपको बताएंगे कि अमेरिकी संस्करण लाने के पीछे ब्लिट्स इंडिया का क्या उद्देश्य है और कैसे ब्लिट्स इंडिया अमेरिका के बसे लोगों में अपनी मौजूदगी को गहरा करेगा। तब तक आप देखते रहें हमारा ये YouTube चैनल।